हम भारतीय इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो रहे हैं? ऐसी क्या वजह कि हम जापान स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों से जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं? ऐसी क्या वजह कि हम भारतीय इस बुढ़ापे की रेस में दुनिया वालों से काफी आगे हैं? आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, 9 तक के बच्चे, लड़के क्या लड़कियां क्या, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बाल सफेद होने लगे हैं, या चेहरों पर झुर्रियां तक आ जाती हैं इनके। 30 की उम्र तक आदमी 50 का दिख जा रहा है। क्या हो रहा है हम भारतीय जनता को, हम भारतीय इतनी जल्दी एज के ऊपर जा रहे हैं? कहां रह गई गलती, कहां है फर्क, आइए समझते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक स्टडी में पाया गया कि जापान स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों से भारतीय जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं। 60 साल से पहले ही भारतीयों में बुढ़ापे की निशानी नजर आने लगती है, तरह तरह की बीमारियां आने लगती है। हम भारतीयों में बहुत कम उम्र में ही बुढ़ापे की निशानी नजर आने लगती है। सिर्फ 18 की उम्र में ही बाल सफेद होने लगे, बालों को झड़ना शुरू हो जा रहा है, दांतों में होने वाली समस्या पैदा होने लगती है, शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, दिन प्रतिदिन व्यक्ति कमजोर होता चला जा रहा है। ये ऐसी समस्या है जो आज के समय में बहुत ही कम उम्र में भारतीयों में देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन इन सब के पीछे का कारण क्या है, क्यों हम भारतीय इस बुढ़ापे की रेस में अव्वल आ रहे हैं? तो इसका सबसे पहला कारण है हम भारतीयों का गलत खान पान। हम भारतीय लोग ज्यादातर मसालेदार और चटपटा खाना पसंद करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज की तारीख में बाजार में किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट को देख लीजिए, आपको हर तरीके के फूड में कुछ न कुछ तरह की मिलावट देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। मुनाफाखोरी के चक्कर में लोग इतने गिर चुके हैं, इतने बिक चुके हैं कि वो कुछ चंद पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटते। नकली घी, नकली अंडे, नकली चावल, ऐसी खबरें तो हर रोज आप सुनते होंगे। बस यही नकली सामान आपको बीमार और तेजी से बूढ़ा बना जा रहा है, और दूसरा काम स्ट्रेस कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है यहाँ का वातावरण, भारत का वातावरण, जो कि पहले जैसा नहीं रहा, दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। चाहे वायु प्रदूषण की बात कर लीजिए, या फिर जल प्रदूषण की, या फिर किसी भी तरह के प्रदूषण की, हम भारतीय हमारे वातावरण को बहुत तेजी से गंदा करते जा रहे हैं। लेकिन यही गंदगी हमें तेजी से बूढ़ा भी कर रही है दोस्तों। जब यही प्रदूषित हवा और जल इंसान के शरीर में पहुंचती है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है दवाइयां। छोटी छोटी बीमारियों के लिए अक्सर लोग मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद लाते हैं, डॉक्टरी मशवरा भी नहीं लेते। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत है कि सर्दी खांसी जैसी मामूली बीमारियों में भी हम भारतीय हाई डोज की एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे हैं, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सर्दी खांसी के अलावा कोई व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है तो उसे एंटी डिप्रेशन की दवाइयां लेनी पड़ती है। सिर में अगर थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो उसके लिए लोग दवाइयां लेने लगते हैं। ये सारी दवाइयां आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रही हैं दोस्तों, शरीर में नेचुरल तरीके से रोगों से लड़ने की क्षमता को खत्म कर रही हैं, फिर बुढ़ापे की निशानियां दिखने लगती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है तनाव। तनाव हम भारतीयों के ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी रहता है। किसी को बेरोजगारी का टेंशन है तो किसी को ज्यादा टेंशन लेने की वजह से नशे की आदत होने लगी है, जिसके बाद ये नशा शरीर को बीमारियों के साथ साथ बुढ़ापे जैसे रोग भी दे देता है। वहीं से बहुत सारे भारतीय हैं जो एक्सरसाइज करने पर यकीन नहीं करते, मतलब पड़े ही रहते हैं सारे दिन भर। और भारत में मोबाइल की क्रांति के बाद तो जो लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते भी थे उन्होंने भी छोड़ दिया है, मोबाइल में टिके रहते सारा टाइम वहीं वेस्ट हो जाता है। आज की जनरेशन पूरी तरह से मोबाइल और लैपटॉप में खोई रहती है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, चाहे पढ़ाई की बात कर लीजिए, या फिर शॉपिंग की बात कर लीजिए, या फिर लोगों से मिलने की बात कर लीजिए। लेकिन ये सारी आदतें आपको बुढ़ापे की ओर धकेल रही हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इस बुढ़ापे से बच नहीं सकते, बिल्कुल बच सकते हैं। ये चीज अभी हम भारतीयों के जीन्स में इंक्लूड नहीं हुई है। जो बाहर जो लोग हैं, विदेशों में जो लोग हैं, स्विट्जरलैंड, जापान के जो लोग हैं, ये इतने स्वस्थ इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीख लिया है। तनाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हुए उसे कैसे हैंडल करना है ये वो सीख चुके हैं। खान पान को किस तरह से चेंज करना है, मॉड्यूलेट करना है, हर उम्र के हिसाब से खान पान का संरक्षण बेहद जरूरी है। आप अगर 19 साल में जो खाते थे वहीं अगर आप 30 साल में खाएंगे तो आपकी उम्र तुरंत 20 साल बढ़ जाएगी। अगर आप 30 के हैं तो तुरंत 50 के दिखना शुरू हो जाएंगे, समझ रहे ना? तो खान पान का ध्यान रखिए और कम से कम 30 मिनट व्यायाम कर ही लीजिए, या फिर हफ्ते में 4-5 बार तो जरूर कर लीजिए। और सबसे अहम बात, खान पान उम्र के हिसाब से कीजिए और आप बूढ़े नहीं होंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसी रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।